हेलो दोस्तों, मैंने कुछ इसमें से वर्गमूल स्क्वायर लिखा है। जैसे वन का स्क्वायर वन, रूट फोर का टू, और जैसे रूट नाइन का होगा थ्री, रूट सिक्सटीन का होगा फोर, रूट ट्वेंटी फाइव का होगा फाइव। उसी तरह से दोस्तों मैंने इस तरह से क्रम से मैंने सबका वर्ग लिखा है। छत्तीस का छः, उनचास का सात, चौंसठ का आठ, इक्यासी का होगा दोस्तों जैसे नाइन, उसी तरह से 100 का 10 होगा, और 121 का 11, और रूट जिसे 144 का होगा 12, उसी तरह से दोस्तों 169 का होगा 13। इस प्रकार से दोस्तों 196 का होगा 14, 225 का होगा 15, और 256 का 16 होगा। उसी तरह से दोस्तों मैंने 289 का अगर वर्ग देखा जाए तो 17 होगा, 324 का 18 होगा, 361 का 19 होगा, 400 का 20 होगा, 441 का 21 होगा, 484 का 22 होगा, 529 का 23 होगा, 576 का 24 होगा, और 625 का 25, 676 का 26 होगा। तो इस टाइप से दोस्तों हमने वर्गमूल लिखा है सबका वर्गमूल मैंने यहाँ पे लिखा है। जैसे दोस्तों इस प्रकार से 27 का, 28 का, 29, 30, 31, 32, इस टाइप से हमने दोस्तों ये सारा लिखा है। दोस्तों ये सारा वर्गमूल मैंने इसमें लिख दिया दोस्तों। जैसे यहाँ पे 1600 का वर्गमूल दोस्तों 40 होता है। 1600 का वर्गमूल जैसे 1600 का कितना होगा दोस्तों 40 होगा, 1681 के का 41 होगा, 1764 का 42 होगा, और जैसे 1849 का 43 होगा, और 1736 का 44 होगा। उसी तरह से 2025 का 45 होगा, 2116 का 46 होगा, 2209 का 47 होगा, और 2304 का दोस्तों 48 होगा, 2401 का दोस्तों 49 होगा, और 2500 का वर्ग दोस्तों 2500 जो वर्ग होता है दोस्तों वो 50 का वर्ग होता है। तो इस टाइप से दोस्तों हमने टोटल वर्ग यहाँ पे लिखा है, मतलब 1 से 50 तक का वर्ग मैंने टोटल लिख दिया है दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों हमने सारा लिखा, और इसके दोस्तों इसे पढ़िए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।